क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं एजाज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक और जर्नी के अंदर। और आज हम जर्नी करने जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसका कि आज फर्स्ट कमर्शियल रन है और अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं। मैं नई दिल्ली पहुँच चुका हूँ, मैं निकल गया था करीब 3:45 बजे से और आधे घंटे में नई दिल्ली पहुँच चुका हूँ। अभी शुभम भाई आ रहे थोड़ी देर में, फिर उनसे मिलते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं अपनी ट्रेन के साथ। और ये आ चुके हैं हमारे शुभम भैया, देखो ये भी अपना कैमरा लेके आ रहे हैं साथ में। और शुभम भैया जी, आप कैसे हो? एक्साइटेड हो? पहले ये बता, पहले मेरे में, अरे बहुत, पहले मेरे में, बहुत ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा। तो दोस्तों शुभम भाई आ चुके हैं और हम चलेंगे नई दिल्ली के अंदर, देखते हैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे। देखो सबसे बड़ी मुझे टेंशन है, ये बात मुझे अपने ब्लॉग में डालनी है, मुझे थोड़ी टेंशन है कि भोपाल बिकॉज एक नंबर से वो भी जाती है और अभी तक ट्रेडिंग टीम की जो भी प्रोग्राम है वो सब एक नंबर से करेंगे। इस चीज की जैसे हमें भी देखते हैं अभी अंदर जाकर क्या होता है, क्योंकि बात यह है कि न्यू दिल्ली प्रैक्टिस फॉलो करता है कि जो बहुत ही सुपीरियर गाड़ी होती है उसको एक नंबर से निकालता है ना। बिल्कुल, तो हो सकता है एक नंबर से और उसको भोपाल शराब को देखो, कुछ दुख नहीं बनता भोपाल शराब को एक से हटाने का, क्योंकि उसको निजामुद्दीन साइड जाना होता है। दोनों में क्रॉस हो गया। बहुत 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 अच्छा रहेगा कि अगर ये लोग भोपाल ट्रेन 18 वंदे भारत को 16 नंबर पे लगा दें। चलिए शुभम भाई तो आ चुके हैं, मिलते हैं दोबारा प्लेटफॉर्म के अंदर जब हमारी ट्रेन आती है। और अंदर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस नाम के प्लेटफॉर्म पर 16 नंबर पर खड़ी हुई है। अभी 10 मिनट बाद ट्रेन खुलने के बाद हम यहाँ से और हमसे हमारे ड्राइवर हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं, जो हमारे भाई हैं जनाब राजा यादव। ये रात में 8 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का और हमसे मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं, बड़े खुश हैं अभी मिलते हैं हमसे। और ये है हमारे चार भाई, उनका चैनल अभी कुछ हुआ है तो थोड़ा सा इंटरव्यू मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों अब आगे मिलते हैं ट्रेन खुलने के बाद अपने कोच के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ आगे जर्नी। तो दोस्तों अभी हम लोग केटरिंग के यहाँ पे आए हुए हैं और ये हमारा है ब्रेकफास्ट, जो कि नॉर्मल ट्रेन में जो केटरिंग मिलता है शताब्दी और रमजान में, उससे बहुत डिफरेंट लग रहा है ये और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो चार्ज लिए गए हैं हमसे उसके मुताबिक ही होगा ये। तो चलिए जब ब्रेकफास्ट मिलेगा तब हम उसको देखेंगे कि कैसा लगता है खाना। गाड़ी में चलने में केवल दोनों से लग गया है, जो भी यात्री किसी पैसेंजर को छोड़ने आए हैं कृपया गाड़ी से उतर जाए, दरवाजे से जाने से अपने आप बंद हो जाएंगे। धन्यवाद। 2437 गाड़ी चलने वाली है, जो भी अपने पैसेंजर के साथ उनके साथी आए हैं उतर जाए, क्योंकि दरवाजा ये स्वचालित बंद होगा और बंद होने वाला है, इसलिए जो अंदर बैठे हैं वो बाहर निकल जाए और जो यात्री बाहर है वो अंदर आके अपने स्थान अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। जय हो, जय हो। अब क्या करें, वंदे मातरम। दोस्तों हमारी ट्रेन अब चल चुकी है नई दिल्ली से, इसका डिपार्चर हो चुका है और अब ये सीधा जाकर के कानपुर रुकेगी और हम चले गए अपनी सीट्स पे। उससे पहले हम अपने दो ट्रेवलर से मिल लेते हैं। सर आपका नाम? अशोक पुनिया। और सर आपका नाम? विजय गुलारा। विजय गुलारा, आपका सर किस कॉल में है? सी टू में। तो अभी हम लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं बनारस तक, तो अभी इनसे मिलते रहेंगे और बातचीत चलती रहेगी आगे जर्नी में। तो मिलते हैं अभी आगे जर्नी में, चलिए बाय बाय। और आप देख सकते हैं भोपाल शताब्दी जो है हमारे साथ चल रही है, दिन नहीं है वरना मेरे आज ही भर के जाती है, ट्रेन को बरदान मिला हुआ ये भर के जाती है, इसके अलावा कुछ है नहीं ना। पहला अच्छा चल रहा हमारा इसके साथ,
ऐसा चल रहा है हमारा पैरेलल एक्शन। अरे भाई ये तो ट्रेन निकल गई है जी इसका, और मुझे ऐसे हाथ जाने की करना पड़ रहा है। मुझे भी दोस्तों अब हम लोग अपनी ट्रेन निकाल कर और हमारी तो दोस्तों हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गाजियाबाद, और ये हम गाजियाबाद के आउटर पे हैं। पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, दिखा नहीं पाएगा। देखो हमारे तो थोड़ा सा कोई जाए तो दिखा देंगे, हमसे बातें कर लेने बैठे देखने लायक चीज़ होगी। और भाई बहुत बढ़िया फील बहुत निकाल रही है यार, मतलब आउटर पे है नॉर्मल ट्रेन से यहाँ पे बहुत बड़ी निकल पाती है, लेकिन ये पचास साठ का एक्सपीरियंस है ना, अच्छा लगा मिला वो पूरा बदल आ चुका है। हम आपको दिखाते हैं और हम गाजियाबाद क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, तो गेट बड़ा बहुत मस्त है यार, गेट मतलब बहुत ही स्मूथली ओपन हो रहा है। और ये है हमारा टॉयलेट उत्तिल, ये है हमारा टॉयलेट, ये हमारा बेसिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब सुकून से टॉयलेट कर सकते हैं यहाँ पे। और सब मैं अपना अच्छे से दिखा पा रहा हूँ, और ये है शीशा यहाँ पे मिरर, बहुत क्या कहना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये गेट बंद हो रहा है यहाँ पे वापस, मैं गेट बंद होकर दिखाता हूँ आपको, मतलब ये गेट जो है अपने आप दो सेकेंड के बाद जो है दो अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप खुल जाता है, अगर कोई सकता है ऊपर ना करे तो उसको ओपन करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। मैंने इसको सेल बदलवा दिया है, देखिए ओपन भी हो जाएगा अपने आप ही, तो बहुत ही स्मूथली ओपन होता है। और बहुत ही ये सिर्फ देखा C1 के अंदर ही है ऐसा करंट, बाकी भी नॉर्मल गेट्स लगे हुए हैं। और ये सर देखिए हमारे ड्यूटन मारते हुए, तो चलिए अब हम बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपनी कोच के अंदर। तो यार फॉग देखो क्या गंदे वाला फॉग हो रखा है यार, मतलब नॉर्मल हम लोग गर्म हो रहते हैं सिटी में रहते हैं कुछ फॉग का पता नहीं लगता, यहाँ असली फॉग पता लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 10 मीटर के बाद बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे ट्रेन एटीन भी मार खा रही है यहाँ पे फॉग के आगे, ट्रेन के पास कभी कुछ नहीं है, ये भी स्पीड नहीं ले पा रही है, देखते हैं कब तक ये ऐसे ही चलेगी। दोस्तों हमारी कॉफ़ी तैयार है, हमने कॉफ़ी बना ली है और मैं बस यूनिविकी कुकीज थी जो हमने निकाल लिया बाहर, अच्छी चीज़ है, कॉफ़ी अच्छी लग रही है, हम कॉफ़ी पीते हैं अपने यूनिविक कुकी के साथ। तो कॉफ़ी है बड़ी कॉफ़ी के खाने में,
आपको ऑर्डर दिखाएगा। हमारे साथ हमारे दो ही कस्टमर आपको 9.5 रेटिंग आउट ऑफ 100 मेरा भी सेम क्योंकि यार नॉर्मल जो मुझे पहले क्रिया कौन की मिलती थी मेरे साथ बाहर बैठे बहुत अच्छा लग रहा है अपना साथ में और ट्राई करेंगे। तो हमारे साथ ट्राई करेंगे ट्रैवलर हैं और कैसे लगा नॉर्मल आपको ट्रेन का खाना बहुत बेटर है इसके बाद आप क्या आता है पटना राजधानी भी आठ लेट चल रही है बहुत 8-10 हो चुके हैं और ये अभी अलीगढ़ पे है मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये भी कम से कम 2 से 2.25 घंटे लेट चल रही है मतलब आज तो ट्रेन इनको वंदे भारत को क्या छोड़ो राजधानी भी लेट है आज तो। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है इसमें हमें दे रखा है वेज कटलेट और इसको हम क्या कहते हैं नाम भूल गया मैं इसका पफ हाँ पफ इसको पफ कह सकते हैं अंदर तो पता नहीं चॉकलेट निकलेगा क्या निकलेगा पता नहीं। ये टोस्ट है टोस्ट टाइप का कुछ दे रखा है भैया ऊपर से थोड़ा सा चीज़ वगैरह लगा करके ये है डोनट और ये क्या है ये मटर पनीर ये नया है कुछ मटर पनीर और ये क्या है ये तो पूरा है यार देखेंगे इसको भी ट्राई करके कुछ ये चिराग यार बहुत ही फार बेटर खाना है नॉर्मल राजधानी शताब्दी से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में कैसा लग रहा है आपको बताइए ठंडा है 7 रेटिंग आप नहीं बताओ सर मतलब नॉर्मल जो ट्रेनों में खाना मिलता है उससे तो बहुत फार बेटर है। वैरायटी है वैरायटी है हाँ ये बात है हाँ हाँ वैरायटी है तो देखते हैं कब तक बनाते हैं वैरायटी यार तो ये है इसका एक्सेलरेशन क्या मारा यार एक्सेलरेशन मारा बहुत गजब का फील हो रहा है यहाँ पे कि हाँ एक्सेलरेशन मार रही है ट्रेन ऑसम वाला यार मतलब 50 की स्पीड से 130 पे कभी आएगी आपको पता भी नहीं लगेगा सॉलिड है बॉस। भाई साहब मेरा मन कर रहा है ना यार मैं चिल्लाऊं यहाँ से अभी इतना मजा आ रहा है यार ओ तेरी फिरोजाबाद को तो उड़ा दिया भाई साहब क्या उड़ाया यार भाई साहब गया पता नहीं चला खड़े हो रहे हैं सलाम सही में मस्त मस्त भाई मस्त कुमो मेला स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है क्या वहाँ पे स्पेशल अब धीरे कर दी ये वाला हॉर्न अपनी तक आपने सुना नहीं होगा ये अलग हॉर्न बज रहा है इसके अंदर मतलब इसके अंदर ये तो है कि इसमें दो तीन तरह के हॉर्न है ट्रेन के अंदर वंदे भारत के अंदर सॉरी
अब मेरा क्या है सुखाबाद सुखाबाद आएगा ना ये सारे क्रिकेट छोड़ गए हमें देख रहे हैं आगे स्टेशन भाई अच्छी जगह है वो लोकेशन अच्छी यार फोटो सारे बन रहे हो। दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल भाई फोटो वीडियो अरे मल्टी मॉडल फोटो ने पकड़ ले सब ने ऐसी पकड़ा पड़ा ये घर वालों दिखाएंगे ना ये तो पता नहीं है देखिए के साथ पहले स्कूल आ रही है उस दिन हमें जाने नहीं दे रहा था फीलिंग आ रही है मतलब पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है फिर गाड़ियों वाली फ्लैश लाइट भी जला के चल रहे हैं सेल्फी हाँ सेल्फी तो हमने भी ली है यार हम वाराणसी ले हम देख रहे हैं दोस्तों हमारी ट्रेन निकल रही है कानपुर सेंट्रल से और ये अभी यहाँ पे इसका अराइवल एक घंटा लेट हुआ है उस होप सो इलाहाबाद में थोड़ा कुछ कवर से कर सके तो अब मिलते हैं इलाहाबाद में और फिलहाल वाई ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है उसके डिपार्चर शुरू हो चुका है तो चलिए लेते हैं इसके डिपार्चर के मजे लोगों की भीड़ बड़ी मस्त हो रही है यार मतलब क्या बात है मजा आ रहा है
मैं दिखा तो रहा है तो आ रहा है क्या मस्त की गाड़ी है खिड़कियाँ होती रहे इसमें चार खतरा सफेद कलर की गाड़ी इतनी बढ़िया लगती है ऐसा तो है कि कैमरे में देख सकते हो आप जो ट्रेन है वो पता ही है ये है हमारा एग्जीक्यूटिव क्लास ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस एग्जीक्यूटिव क्लास है और आ जाओ भाई आ जाओ ये है हमारे कविज भाई कैसा लग रहा भाई आपका नाम भाई आनंद कैसा लग रहा है एग्जीक्यूटिव मजा आ रहे हैं अभी तक क्या क्या कचर गया आप तो विंडो के पास बैठे हो मतलब क्रॉसिंग हुई क्रॉसिंग ली एक बार कई सारी अरे हम चेयर कार में जरूर हैं लेकिन हमें सेंटर टेबल पे मेला स्पेशल अंत्योदय एक्स वी आर क्रॉसिंग सुबेदारगंज Now we have reached Allahabad Junction और यहाँ पे फिर से हमें सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने वाली है देखिएगा कैमराज निकलेंगे सबका भी बाहर ये देखिए एक मंदिर ये अब शुरू हो रही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो दिख रहे हैं क्या हम लोग ये क्या बवाल आ गया चुप भाई ये क्या बवाल आ गया Yeah.
यहाँ तो कुंभ मेले के ही कोच दिखाई दे रहे हैं खाली। कुंभ मेला, कुंभ मेला, कुंभ मेला। यार बहुत लेट आई है, लेट आई है अभी। हम जा रहे क्रॉस करने के लिए। यार क्रॉसिंग गंगा रे हुआ बहुत ही असम वाला है ये तो। मस्त बहुत मजा आ रहा है। क्या वाह 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 वाह। कुंभ मेले की दृश्य चंडीगढ़ प्रयाग तो वो है मेरे ख्याल से चाहर एक्सप्रेस। चाहर है चाहर। Thank you.
तो दोस्तों खाना आ चुका है हमारा, बहुत लेट नहीं आया, 2 बजा दिए, मतलब नॉर्मल सब 12-12:30 तक खाना मिल जाता था, 2 बजा दिए हैं। चलिए उसको अनबॉक्सिंग करते लग जरा, इसको हम जरा खोल लेते हैं, इसको हम खोलेंगे, मैं आपको खोलते हुए दिखाता हूँ जरा इसको, ये खुलता कैसे है। इसको यहाँ से ऐसे ओपन होता है, ये यहाँ ओपन किया, इसको खोलेंगे। ये है हमारी दही, श्याम मिष्टी दही, मिष्टी दही है। ओके, इसको लॉक को खोलेंगे हम, चलो खाना खोलते हैं। एक बात है, डब्बे के ऊपर सील लगी हुई है, आज की डेट निकली है, मतलब खाना फ्रेश आ रहा है, अगर आपका पैक खाना आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा। खाना पैक आ रहा है, अच्छा है, वाह। ये है हमारा खाना, इसमें क्या है करे देखते हैं। इसमें हमें दिया है एक टिशू, कैच का सॉल्ट, और ओके, ये क्या है, काली मिर्च और वेज मिक्स, काली पिकल और एक स्पून। चलिए इसको तो हम साइड में रखते हैं फिलहाल, इसको तो हम यहाँ रखेंगे फिलहाल। दही को हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पे, ओके। और इसमें हम ये दे रखा है भाई, दे रखा है मैं आगे फोन करके। ये है क्या है, शाही पनीर, यार पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त वाली है। आपको खाना दोस्तों, हमने खाना निकाल लिया है, अब इसके अंदर हमें हमारे पास शाही पनीर और ये क्या शिमला मिर्ची की सब्जी, शिमला मिर्ची प्याज की सब्जी। ये है हमारे पास चावल, ये है बीन्स और मटर की सब्जी और कुछ पनीर और आलू है। ये गुलाब जामुन, ये है लच्छा पराठा, ये है दही, साथ में हमें अचार वगैरह दे रखे हैं। होटल वगैरह गिराए जा रहे हैं, ट्रेनें बहुत कम, जहाँ कर लेते हैं वहाँ होटल के जाते हैं। तो दोस्तों खाना शुरू करते हैं, देख बताते हैं खाना खा के कैसा लगता है खाना। तो दोस्तों खाना अच्छा है, जैसे ज़्यादा पैसे दिए थे हमने, सुबह खाना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक ही चीज़ है जो सुबह ज़्यादा ठंडा, अभी भी ठंडा है। खाना लेकिन फिर भी अच्छा है, ये नॉर्मल चीज़ों में क्वान्टिटी क्वालिटी से तो कम से कम 20%। अभी तक जो 700 मुझे खाना खाया है उससे पार बैठा है, अच्छा खाना है। चलिए दोस्तों खाना खाने के बाद देखते हैं, मुझे लग ही रहा था ऑल मेंबर्स आर बिजी। ओहो नीचे मत गिर जाइए भाई, फिर से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है भाई साहब, आहा आहा, ओहो क्या बात है, क्या क्या बात है, अरे बाबा, ओहो ये तो पूरा माइक लेके आ गया था बंदा, वो तो हाँ। सुन भाई देखिए कैसा फील हो रहा है। नहीं डाल पाओगे, नहीं होगा, भीड़ देखो यार, क्या आप फोटो खींच रहे लोग सब इसकी, सब तो यार भीड़ हो रही है यार।
हर किसी के हाथ में कैमरा, हर किसी के हाथ में कैमरा। भाई यहाँ से भी तो फर्स्ट कमिश्नर मानेंगे लोग, यहाँ तो वैसे ही लेट आने में लेट हो गई है, लोग पहले पहुँच चुके हैं। ये देखो माला लेके आए हैं भाई, सब तो लोगों पहले गोप्रो जो भाई हो गया गोप्रो पीछे। तो दोस्तों फाइनली मैं बनारस पहुंच चुका हूं और अभी मैं ट्रेन से उतर चुका हूं अपने अभी, और दोस्तों ट्रेन में बहुत मज़ा आया जर्नी में। थोड़ा लेट हो गई एक डेढ़ घंटा क्योंकि सुबह फॉग बहुत था, लेकिन फॉग की वजह से भी एक घंटा लेट होना कोई ज़्यादा नहीं है। और भाई से प्रायोरिटी क्या मिली, आज मज़ा आ गया, बहुत कदर भगाया इसे आज, ये क्या कहने, मज़ा आ गया इसमें जर्नी करने में। और स्पीड और एक्सीलरेटर की बड़ी बड़ी वाली खराब थी तो दोस्तों, और इसे खाना भी खाना और देखा भी अच्छा था, मिला जुला के मैं इसे ट्रेन को आउट ऑफ 8 आउट कर दूँगा मैं इसको। और बाकी सब आप कभी जर्नी करोगे तो आप खुद फील कर लेना, मैं फिलहाल मैं जर्नी खत्म करता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे किसी और जर्नी।